दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आयकर विभाग ने दो दिन पहले मुईन नाम के आदमी के घर पर छापा मारा था। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने वहां से बड़ी रकम जब्त की थी। आयकर विभाग का दावा है कि नकदी का बड़ा हिस्सा दिल्ली में किसी बड़े राजनीतिक दल के मुख्यालय भेजा गया। खबर है कि मुईन कांग्रेस नेता अहमद पटेल का चीफ अकाउंटेंट है। सोमवार को जब मुईन दफ्तर नहीं आया था तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल उससे मिलने उसके घर गए थे और 10 मिनट वहां रुकने के बाद वापस लौट आए थे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। पहले चरण के मतदान से ठीक दिन 3 दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद तीनों नेताओं ने हाथों में पार्टी के संकल्प पत्र को दिखाते हुए इसे विधिवत जारी किया। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मंच पर मौजूद रहीं। संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को पीएम ने अपनी पहली प्राथमिकता बताया। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक रहेगी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करने का संकल्प लिया और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रखने का वादा किया। साथ ही बीजेपी ने दोबारा सरकार बनने पर नागरिकता संशोधन बिल पास कराने का वादा भी किया, जो राष्ट्रवाद पर बीजेपी के 16 संकल्पों में शामिल है। बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मिसाल बताया और इसे आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ रोकने के लिए सभी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग लगाने का वादा भी संकल्प पत्र में। बीजेपी ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और अर्धसैनिक बलों और पुलिस को आधुनिक बनाने का वादा किया। बीजेपी ने नागरिकता संशोधन बिल पास कराने का संकल्प भी दोहराया। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद देने का वादा भी संकल्प पत्र में है। बीजेपी के संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म करने का वादा भी किया गया है।